इस वीडियो में हम जो नेगेटिव नंबर्स के साथ जब डील करते हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है। देखिए, जब भी नेगेटिव नंबर्स की बात आएगी तो आपको टूज़ कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज़ ज़रूर नज़र आएगा। टूज़ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर बाइनरी वैल्यू कोई दी हुई है, कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है, जैसे कि ये नंबर्स दिए हुए हैं, तीन आपको नज़र आ रहे हैं, ये तीनों नंबर्स, ये लाजमी नहीं है कि ये नंबर नेगेटिव ही होंगे। टूज़ कॉम्प्लीमेंट में नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है। तो चलिए चेक करें कि अगर हम इन बाइनरी वैल्यूज़ को, जो कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में दी हुई हैं, तो क्या ये वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इनको डेनरी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, प्लेस पोजीशंस लगाएंगे, और चूंकि ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट है तो याद रखिएगा फाइनल वेट जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। द फाइनल वेट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव। ओके, ऑलराइट। तो ये क्या नंबर बन रहा है? ये नंबर बन रहा है, ये -128 वाला तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब है वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, तो ये बन रहा है 96, 104 एंड 109, राइट। इस वाले को कन्वर्ट करके देख लेते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। याद रखिएगा फाइनल वेट हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। टूज कॉम्प्लीमेंट में हमेशा फाइनल वेट नेगेटिव होगा। तो ये वैल्यू क्या बन रही है? -128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 1, यही बन रही है ना। तो ये हो गया 24 प्लस 1, 25। -128 में जब प्लस 25 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? मेरे ख्याल से -103 आएगा। आई माइट बी रॉन्ग इन माई कैलकुलेशन, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला यही है। अच्छा, वैल्यू कैलकुलेशन में हो सकता है कोई गड़बड़ होगी हो। यहाँ पे फिर वेट्स लगाएंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, ये ज़रा ज़्यादा बिट्स हैं, तो 128, 256, और फाइनल वेट हमेशा क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट में? नेगेटिव होगा। तो -512 है। तो ये वैल्यू क्या बन रही है? -512 प्लस 256 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, आंसर -211 है। अच्छा, याद रखिएगा, जो इसमें मैं की कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में अगर कोई वैल्यू, बाइनरी वैल्यू दी होगी, तो उसमें ये लाजमी नहीं कि वो नेगेटिव हो। वो नेगेटिव भी हो सकती है, वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। जैसे कि ये हमारा पहला नंबर 109 आया, ये पॉजिटिव वैल्यू है, इवन दो ये टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में गिवन है। ओके, और टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में हम हमेशा फाइनल वेट को क्या करते हैं? नेगेटिव उसको रखते हैं। चले, अगर सवाल जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिप करके आ जाए, उल्टा करके आ जाए, कि डेनरी वैल्यू आपको दी हुई है और इसको आप टूज़ कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करें, तो देखिए दो टेक्निक्स हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। पहली टेक्निक तो प्लेस पोजीशंस वाली है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, -128। अच्छा, अगर हमने -70 लिखना है तो -128 के अंदर क्या ऐड करेंगे कि -128 प्लस व्हाट इक्वल्स -70, राइट। तो आई थिंक एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 58, पॉजिटिव 58 होनी चाहिए, राइट। तो पॉजिटिव 58 कैसे बनेगा? 32 प्लस 16 48 प्लस 8 56 प्लस 2 58। तो अगर -128 में आप पॉजिटिव 58 ऐड करेंगे तो आपका आंसर -70 आएगा। तो एक तरीका ये है कन्वर्ट करने का। दूसरा तरीका भी हम बाद में देखते हैं, पहले एक और वैल्यू को इसी तरह कन्वर्ट करके देख लें। देखिए, अब की बार हमारे पास जो वैल्यू है वो -100 है, और हमने -100 को टूज़ कॉम्प्लीमेंट बाइनरी वैल्यू के तौर पे लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम प्लेस पोजीशंस लगाएंगे फिर से, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। फाइनल प्लेस पोजीशन हमारी क्या होगी? -128। याद रखिए, एग्ज़ाम में ये हो सकता है लिखा है कि आप 8-bit टूज़ कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जो है ना वो निकालें, तो आपका आपके पास कितने बिट्स हैं? 8 हैं। तो इसलिए मैंने, आपने देखा, ये 8 प्लेस पोजीशंस लगाई हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, -128, 8 बिट्स हैं। तो ये कैसे होगा सॉल्व? -128 में क्या ऐड करेंगे? तो -100 आएगा, ये तो आसान है। -128 में अगर +28 कर दें, -128 प्लस एक्स इक्वल्स -100, तो x की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 28 आती है, तो पॉजिटिव 28 चाहिए। 16 प्लस 8 24 प्लस 4 28,
तो ये आपका आंसर आ गया। अगर वो यही आपको 8 बिट की बजाय वो कहता है आप 10 बिट में आंसर लिखें, तो 10 बिट में कैसे करते हैं? अब हमें 10 प्लेस पोजीशंस लगानी है, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, और फाइनल वैल्यू क्या आएगी? -512। अब इसको सॉल्व करते हैं, -512 में क्या ऐड करेंगे, -512 में क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर -100 आए। तो जब हम एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो ये +412 आ जाएगा, 412। तो 412 कैसे बनेगा? ये बनेगा 256 प्लस 128 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4। मैंने कैलकुलेटर से जल्दी से कर लिया था ताकि टाइम सेव हो सके, पर आपको एग्ज़ाम के अंदर ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि 412 कौन कौन सी वैल्यूज़ को ऐड करके बन रहा है। तो ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब एक और तरीका भी है इन वैल्यूज़ को टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का एक और तरीका भी है। आप -70 की बजाय +70 से स्टार्ट करें। आपने -70 निकालने, तो शुरू किससे करें? +70 से। तो प्लेस पोजीशंस लगाते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। फाइनल प्लेस पोजीशन तो -128 ही होगी ना, टूज कॉम्प्लीमेंट है, पर हमने +70 लिखना है। तो 64 प्लस 6 क्या होता है? +70 होता है, तो हमने +70 लिख दिया, राइट। और अब हमने क्या करना है, इन सब को फ्लिप कर देना है, इन सब को फ्लिप कर देना। फ्लिप कैसे करेंगे? ये 0 क्या बन जाएगा? 1। ये 1 क्या बन जाएगा? 0, 0, 1। तो सब को हमने फ्लिप कर देना है, राइट। अब जब ये फ्लिप हो गए, ये नंबर फ्लिप हो गया, +70 फ्लिप हो गया, तो हम कहते हैं ये वंस कॉम्प्लीमेंट निकल चुका है। कौन सी वैल्यू निकल चुकी है? वंस कॉम्प्लीमेंट। इस वंस कॉम्प्लीमेंट में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट वैल्यू -70 जो है वो आपकी निकल आई होगी। तो 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, तो इसका मतलब है 0 आपकी सम वैल्यू है, 1 कैरी वैल्यू है। अब ये कैरी 1 और ये 0 ऐड किया, तो अब क्या वैल्यू आई आपकी? 1 आई। फिर ये 0 आ गया, 1, 1, 1, 0, 1। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह जल्दी से हम दोबारा ये -100 को भी इसी तरह कन्वर्ट करके देख लेते हैं। -100 अगर कन्वर्ट करना है, हम अपना लेट से हमारे इस दफ़ा उसने हमें कहा है कि आप 9 बिट्स इस्तेमाल करें। कितने बिट्स इस्तेमाल करें? 9 बिट्स इस्तेमाल करें। तो हम लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16, 32। आंसर 9 बिट्स लॉन्ग होने चाहिए, तो हम 9 प्लेस पोजीशंस लगाएंगे, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड -256। ओके, तो अब आप शुरू किससे करेंगे? +100 से शुरू करेंगे, याद रखिएगा। +100 आप कैसे लिखेंगे? 64 प्लस 32 96 प्लस 4 100। ये आपके अब पॉजिटिव वैल्यू आ गए। अब आप इस सब को फ्लिप कर देंगे, राइट। फ्लिप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 1 हो जाएगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 0 1 1। अब ये जो आपके पास वैल्यू आ गई है, इसको हम वंस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है ना। इस वंस कॉम्प्लीमेंट को इसके अंदर आप जब 1 ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, मतलब -100 टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखा नज़र आ जाएगा आपको। तो ये 1 + 1 क्या होता है? 2 होता है, 0 आ गया, 1 कैरी हो गया, ये 1 कैरी और ये 1 ऐड होगा तो फिर से 2 आ गया, मतलब 0 सम हो गया, 1 कैरी हो गया। 1 + 0 कितना होता है? 1 होता है, कोई कैरी नहीं आया, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है, मतलब -100 जो है आपने टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख लिया। ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म है, और ये जो वैल्यू आपने बाइनरी में लिखी हुई है, ये -100 के बराबर है। अब अगर एग्ज़ाम में फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इस तरह की कोई चीज़ आ जाए कि आप 75 -50 जो है ये बाइनरी फॉर्म में ये कैलकुलेशन करके दिखाएं, तो पहले आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है यहाँ पे एक नेगेटिव वैल्यू यूज़ हो रही है ना, तो आप क्या करेंगे? आप टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट में तो पहले हम प्लेस पोजीशंस लगा लेते हैं, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, -128, राइट। तो +75 कैसे लिखा जाएगा? +75 लिखा जाएगा 64 प्लस
11, राइट, 8 + 2 + 1, राइट, तो ये आपके पास पॉजिटिव 75 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेगेटिव 50 लिखना है, ये पॉजिटिव 75 है बाय द वे, तो आपने नेगेटिव 50 लिखना है, तो वो कैसे बनेगा, -128 + 78 कितना बनेगा, -128 + 78 -50 बनेगा, ठीक है, तो -128 + 78, तो 78 कैसे बनेगा, 64 + 8 = 72 + 6 = 78, तो ये आपके पास -50 आ गए, राइट। अब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं बाइनरी फॉर्म में, ये -50 है, ये +75 है, दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें, मैं दोबारा से वैल्यूज़ लिख लेता हूँ, पहले 75 लिखा, 1011, और फिर हमने -50 लिखा, ये क्या बन रहा है, 1100 1110, जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1 + 0 क्या होगा, 1 1 + 1 क्या होगा, 0, 1 कैरी, 1 + 0 + 1 क्या होगा, 0 और 1 कैरी, अब 1 + 1 + 1 क्या होगा, ये 3 बनता है, तो ये क्या होगा, 1 हमारा सम वैल्यू आएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 1 + 0 + 0 हमारा क्या बनता है, 1 बनता है, ये 0 आ गया, ये 1 + 1 क्या होता है, ये 0 आता है, ये 1 आ गया, ये 1 + 0 + 1 क्या निकलेगा, ये 0 आ गया और 1 कैरी आ गया, ये ओवरफ्लो हो गया, ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया। हमारे पास आंसर सेव करने के लिए कितने वो बिट्स थे, हमारे पास तो टोटल 8 बिट्स थे ना, 4 bits + 4 bits, तो हमारा आंसर 9 बिट्स में आ रहा है, तो ये ओवरफ्लो एरर आ रही है। एनीवेज अगर आप इसको गौर से इस वाले नंबर को देखें तो ये वाला नंबर जो है आपका पॉजिटिव 25 होगा, मैं इसको दोबारा से लिखता हूँ, 1 1 0 0 1 1 2 4 8 16 32 64 -128, तो ये क्या बना, 16 + 8 = 24 + 1 = 25, पॉजिटिव 25 ही आया। एनीवेज मे बी मुझे कोई बेहतर वैल्यू चूज़ करनी चाहिए थी ताकि ओवरफ्लो ना आता, मगर करना आपने इसी तरह, एक नंबर लिया उसको कन्वर्ट कर लिया टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, दूसरा नंबर नेगेटिव 50 टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिख लिया, अब एक पॉजिटिव नंबर है आपके पास, एक नेगेटिव नंबर है, दोनों टूज़ कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है, दोनों को जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे आपस में तो सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगी। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।